इंडिया बनाम भारत पर सियासत तेज होती जा रही है। इस मामले में संबल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने तल्ख टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि भारत शब्द लिखकर मुल्क का अंदरूनी झगड़ा उजागर किया जा रहा है। मुसलमानों पर जितना जुल्म इस सरकार में हुआ है उतना किसी सरकार में नहीं हुआ। मुसलमान बीजेपी के बहकावे में नहीं आएगा, लालच और दबाव में वो बीजेपी को वोट नहीं देगा। देश का नाम भारत करने की सरकार की कवायद पर मोदी सरकार पर विपक्ष हमलावर है। G20 के मेहमानों को भेजे गए निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने पर संबल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने तल्ख टिप्पणी की है। सांसद ने कहा कि इंडिया बनाम भारत देश का अंदरूनी मामला है, इसे दूसरे देशों के सामने उजागर नहीं करना चाहिए था। 2024 में पसमांदा मुसलमानों के बीजेपी के साथ जाने के सवाल पर भी उन्होंने जवाब दिया। सपा सांसद ने कहा कि मुसलमानों पर इस सरकार में जितना जुल्म हुआ है उतना कभी नहीं हुआ। भारत में G20 सबमिट होने जा रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ठीक है, ये हालांकि अभी हमारा ये G20 में 18वां नंबर आया है और देशों में तो हो चुका है, जितने भी 20 में इतने देश हैं, हमारे देश में अब 18वें नंबर पर हो रहा है, तो इस ठीक है, यह तो अच्छी बात है। तो सारे वर्ल्ड का मामला है ये, 20 मुल्कों की एक वो पूरी एक प्लानिंग है जो उसको उस सिलसिले में जो भी उनका प्रोग्राम है उस प्रोग्रामों को जैसे कि और मुल्कों में उन्होंने किया वैसे हिंदुस्तान में भी कर रहे हैं। इसमें नई बात सांसद जी ये आ रही है, द प्रेसिडेंट ऑफ भारत का निमंत्रण पत्र दिया जा रहा है, जो निमंत्रण पत्र दिए जा रहे हैं। क्या निमंत्रण पत्र क्या लिखा? द प्रेसिडेंट ऑफ भारत है, द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। प्रेसिडेंट ऑफ भारत, अच्छा, भारत और इंडिया को लेकर के कवायद तेज हो रही है कि भारत और इंडिया, तो इसमें क्या की सियासत है भाई? एक चीज का नाम है तो पहले से उसको इंडिया के नाम से बोला जाता था, तो आज भी अगर वही नाम है और दूसरा भी कोई आदमी अपनी किसी चीज का नाम रखता है तो उसमें हमारे उनके मकसद में तो बहुत बड़ा फर्क है भाई। हमारी जो अपोजिशन पार्टी है उन्होंने उसका इंडिया रख दिया उसका नाम, तो इससे दोनों का में मकसद में तो अलहदा अलहदा है भाई। हमने अपने मकसद से रखा है इंडिया, या आप जो आप भारत उसको हटा रहे हैं रख रहे हैं, आप अपने हिसाब से रख रहे हैं, तो इसमें जो पहले से अब G20 में कोई तब्दीली तो नहीं की जा रही है। G20 तो सब जैसे कि और जगह हुआ वैसे यहाँ पर होगा उसका प्रोग्राम, तो इस प्रोग्राम को इस दावतनामा वही जो उसका नाम है पहले से उसी से नाम से देना चाहिए था। कहीं ना कहीं मानते हैं कि सियासत है भारत और इंडिया। हाँ, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि इसमें वो हमारी मुल्क की सियासत है और ये मामला सारे वर्ल्ड का है जी। तो इसमें फर्क है, तो इसमें यहाँ पर इस किस्म की तब्दीली करने से तो मुल्क में कोई पॉलिसी में तो तब्दीली आने रही है। सांसद जी एक सवाल हो रहे, लगातार 2024 करीब आ रहा है और भाजपा लगातार पसमांदा मुसलमानों को अपनी ओर जोड़ रही है, तरह तरह के उनके लिए दे रही है। मुसलमान इनके बहकावे में अब नहीं आएगा। मुसलमान के साथ जितना बड़ा जुल्म इस गवर्नमेंट में हुआ है हो नहीं सकता, तो मुसलमान के सामने सारे हालात हैं आज वो देख रहा है। अब इनके किसी लालच में या किसी दबाव में आकर मुसलमान इनको वोट नहीं देगा। ये जो इन्होंने दावतनामा दिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के उससे नहीं दिए, तो इससे क्या मतलब है इसका भाई? जो पहले से आया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से होना चाहिए था, ये उसको भारत कहकर तो क्या इससे कोई हालात बदल जाए? तो बेहतर यही था कि इसमें ये तो आप हम अपने घर में का झगड़ा दूसरों को भी बता रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं कि हमारे घर में इख्तलाफ है, तो हमें हमारा जो कुछ भी मसाइल है इंडिया की अपनी जगह है, दूसरे मुल्कों से जो हमारा रابطہ है या ताल्लुकात है वो अपनी जगह है, उनमें हम अपने जो जो अंदरूनी झगड़े हैं उसमें हमें जाहिर नहीं करना चाहिए, इन बातों को उजागर नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखना चाहिए था दावतनामे में।
खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।